नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है, यानी कि अगर पिता के नाम से कुछ जमीन है तो उस जमीन को हम उनके बच्चों में कैसे बांटें और कितना कितना बांटें, फिर उनके बच्चों में कैसे बांटें। तो ये बहुत विवादित मामला है, लेकिन आज आप इस अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे और आप हमेशा निकाल लेंगे कि कितना भाग प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा और फिर जोड़ने के बाद उतनी जमीन पूज रही है कि नहीं, यानी कि सब कुछ बड़े विस्तार से आप आज और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास या मतलब एक व्यक्ति है, इनका नाम है ए, और इनके पास मान लीजिए कि 4 हेक्टेयर जमीन है। ए नाम का एक व्यक्ति है, इनके पास 4 हेक्टेयर की जमीन है। इनकी जमीन किसको मिलेगी? इनके बच्चों को मिलेगी। फिर इनके बच्चों की जमीन किसके किसको मिलेगी? उनके बच्चे के बच्चों को मिलेगी। यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है नीचे चली आएगी। तो मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझ रहा हूं, मान लीजिए कि इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इनके 2 पुत्र हैं बी और सी। जमीन है 4 हेक्टेयर। इनके मृत्यु के बाद इन दोनों को यही 4 हेक्टेयर जमीन मिलेगी, है ना? तो कैसे मिलेगी? फिर मान लीजिए कि सी के भी 3 पुत्र हैं, सी के मान लीजिए 3 पुत्र और इधर बी के 2 पुत्र, और सबका मैं नाम लिख दे रहा हूं। सी के बाद मान लीजिए डी ई एफ जी एच, और फिर एफ के भी 2 पुत्र, एच आई जे, और इधर डी के 3 पुत्र। के एल और एम, इस तरह मान लीजिए स्ट्रक्चर हमने एक बनाया। उदाहरण के लिए ये जो व्यक्ति हैं, इनके ये दोनों पुत्र हैं, ये सी के पुत्र ये तीनों हैं, और इन दोनों के पुत्र मान लीजिए नहीं हैं, एफ के 2 पुत्र हैं और इधर बी के 2 पुत्र और डी के 3 पुत्र। इनकी जो संपत्ति है वो कैसे बटेगी, यानी जे को कितना मिलेगा इस संपत्ति में, जी को कितना मिलेगा, ई को कितना मिलेगा, ये आप कैसे निकालेंगे, यही आपको सीखना है। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा, जो भी जमीन है जहां से शुरुआत हो रही है उस जमीन को आप एक यूनिट मानेंगे। कितना मानेंगे? एक यूनिट। तो मान लीजिए जो 4 हेक्टेयर जमीन थी वो कितना है? एक इकाई। अगर इनके पास 40 हेक्टेयर भी होती तभी हम एक इकाई ही मानते, अगर एक बिस्सा भी होती तो उसको भी एक इकाई मानते, यानी कि एक गिनती हम मानेंगे। ये एक गणित का नियम है, भिन्नात्मक रूप से कैसे बटे उसके लिए एक माना जाता है, बाकी तो वर्जनल इतना है। तो यानी कि आप 2 तरह से समझेंगे, एक तो कि इनका कितना भाग है और उसके बाद उस भाग के हिसाब से वास्तविक रूप से कितना हेक्टेयर या कितना बीघा जमीन है, ये दोनों बात आप सीखेंगे। तो सबसे पहले भाग की बात करते हैं, तो एक से शुरू करेंगे। तो देखिए, ए के पास कितनी जमीन थी? ए के पास जमीन थी एक जमीन थी। अब ए के 2 पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं? 2, यानी कि यही जो एक जमीन है इसके 2 भाग हो जाएंगे। अगर मान लो ए के 3 पुत्र होते तो एक में 3 का भाग करते, ए के अगर 4 पुत्र होते तो एक में 4 का भाग करते। तो केवल 2 ही पुत्र हैं तो हमने 2 लिख दिया। इसका मतलब कि बी को मिलेगा जमीन का 1/2 हिस्सा, यहां जो आया है, और सी को मिलेगा 1/2 हिस्सा। अब 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी कि आधा, आधा में आधा जोड़ेंगे तो एक इकाई हो जाएगा। हेक्टेयर में कितना आएगा? 2-2 हेक्टेयर आएगा।
अभी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी आगे समझाऊंगा। अभी आप भाग वाला देखिए, पूरे जमीन का 1/2 भाग बी को मिला और जितना बी को मिला उतना ही सी को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। अब आगे चलिए, सी के बाद और इधर बी के बाद, तो सी के बाद क्या करेंगे देखिएगा, सी के हिस्से में कितनी जमीन है, 1/2। सी के हिस्से में जमीन है 1/2। अब 1/2 जमीन के 3 भाग होंगे, क्योंकि सी के 3 पुत्र हैं, सी के 3 पुत्र हैं, यानी कि जो 1/2 जमीन थी, अब इस जमीन में भी 3 भाग होंगे। बटे माने भाग ही होता है, चाहे आप यहां भाग का चिन्ह लगा के 3 लिखो, चाहे बटे का लगा दो, बटे माने भाग। तो 1/2 में अब 3 भाग हुए। मान लो सी के अगर 4 पुत्र होते तो 1/2 में 4 भाग होता, यहां 4 लिखा जाता। अगर सी के 5 पुत्र होते तो यहां 5, मतलब जितने पुत्र होते उतने ही। अगर एक ही पुत्र होता तो 1 लिखा जाता, तो 1 लिखने का मतलब कि 1 में किसी का भाग करते हैं तो वही आता है, इसका मतलब जितना इनके पास था उतना उसको मिलता, लेकिन 3 पुत्र हैं तो 3 का। अब ये हुआ क्या, जब ये भिन्न के रूप में आप इसको हल करेंगे तो एक नियम जान लीजिए कि जब बटे में बटे लग जाए तो नीचे जो हर के रूप में है उन दोनों का गुणा हो जाता है, 3 × 2 = 6। ठीक है, गणित का नियम है, मैं ये आपको किसी दिन अलग से पढ़ाऊंगा इसको। तो 2 में 3 का गुणा हो गया, 2 × 3 = 6, तो 1/6 हो गया। इसका मतलब कि F को मिलेगा 1/6, G को भी मिलेगा 1/6, H को भी मिलेगा 1/6, क्योंकि ये तीनों सगे भाई हैं। इसका मतलब कि 1/6, 1/6 और 1/6 तीनों जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। अभी मैं आगे जोड़ के आपको दिखाऊंगा। भी इधर आइए, D और E के पास, तो D और E को कितनी जमीन मिलेगी, जितना उसके पिता के पास है उसी का आधा आधा, क्योंकि 2 ही पुत्र हैं। तो यहां पर B के पास जमीन है 1/2। अब 1/2 में केवल 2 भाग लगने हैं क्योंकि 2 पुत्र हैं, तो यहां 2 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 2 = 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 था तो ये जो आपने 1/2 नीचे लिखा है इसको आप गुणा के रूप में यही लिख दो, तो बस वही आ गया 1/4। आप ये चीज यहां भी कर सकते थे, 1/2 / 3 लिखे हो तो यही जो 2 है उसी के बगल में गुणा का चिन्ह लगा के ये 3 लिख दो, तो 3 × 2 = 6। दोनों तरह से है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि इस पर अलग से आपको समझाऊंगा, अभी आप समझ रहे हैं। तो 1/4, इसका मतलब कि डी को मिलेगा 1/4 और जितना डी को मिला ई भाई है तो उसको भी मिलेगा 1/4। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आगे चलिए, जी का कोई लड़का नहीं है, एच का कोई लड़का नहीं है, इसको रोक दो, आगे होंगे कि नहीं होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, जिनका बटना है मैं उनकी बात कर रहा हूं। एफ के 2 पुत्र हैं तो एफ की संपत्ति के 2 भाग होंगे, तो एफ की कितनी संपत्ति है, जमीन 1/6 है, तो 1/6 में कितने भाग होने हैं, चूंकि 2 पुत्र हैं तो 2 भाग होने हैं, तो यहीं पे 2 का गुणा कर दो। अभी मैं बताया ना कि चाहे गुणा कर दो चाहे बटे में बटे लगा दो, 1/6 / 2 तभी तो गुणा करोगे, तो क्या आया, 1/6 × 12। इसका मतलब कि आई को मिलेगा 1/12, जे को मिलेगा 1/12। इनके पुत्र नहीं है, इनके नहीं है तो इनका डिवाइडेशन आगे नहीं होगा, अब यहीं पे रुका रहेगा इनका। इधर आइए, के एल एम, तो के एल एम को कितना मिलेगा, जितना डी के पास है, चूंकि डी के ये तीनों पुत्र हैं तो डी का हिस्सा का तिहाई तिहाई भाग, तो डी के पास कितना है, डी के पास है 1/4। अब 1/4 के 3 भाग होने हैं तो 3 का गुणा कर दो यहां, या बटे 1/6, 1/4, 1/3, 4 × 3 = 12। हाँ ठीक है, यहां भी 1/12 आया, देखो यहां भी 1/12 आया था क्योंकि वो 1/6 का आधा किया गया था, तो 1/12, यहां 1/4 ही है लेकिन 1/12 इसलिए आ गया क्योंकि 1/4 का 3 भाग किया गया, तो यहां आया 1/12,
यहां भी आया 1/12 और यहां भी आया 1/12। इसका मतलब इन तीनों के पास प्लस इन दोनों के पास यानी इन पांचों के पास बराबर बराबर है। अच्छा मान लीजिए जे के पास फिर से दो लड़के और होते, मान लीजिए दो लड़के और होते जे के पास, तो के एल एम एन ओ, मान लीजिए एन ओ है तो एन ओ को कितना मिलेगा 1/12 का आधा, 1/12 का आधा, आधा मतलब दो भाग, तो कितना हो जाएगा 1/24। तो इनको मिलेगा 1/24, इनको भी मिलेगा 1/24। तो पहली चीज आप ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहली चीज आप ये समझे कि जितनी भी जमीन होगी जहां से बढ़ना शुरू हुई है उस जमीन को हम एक इकाई मानेंगे और फिर जितने लड़के हैं उसका भाग करके उतना भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, और जो प्रक्रिया यहां हुई है वही प्रक्रिया आगे भी होगी, वही प्रक्रिया आगे होगी, ये निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आएगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक के पास जमीन कितनी कितनी है। हम ये तो जान गए कि पूरी संपत्ति का जे को 1/12 हिस्सा मिलेगा, पूरी संपत्ति का ओ को 1/24 मिलेगा, एच को 1/6 मिलेगा, जी को 1/6 मिलेगा, हम जान गए। लेकिन 1/6 का मतलब क्या, कितना मिला, अब ये जानिए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं और आपको करके दिखाता हूं कि वास्तविक रूप से जमीन कितनी कितनी मिली। तो मैं सबका नहीं, मैं 2-3 लोगों को दिखा दूंगा, तो बाकी लोगों को आप अपने से ही निकाल लेंगे कि किसको कितना मिलेगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं सी को कितना मिला। तो देखो पूरी जमीन कितनी थी, 4 हेक्टेयर, तो 4 का 1/2 हिस्सा, तो 4 में 1/2 का गुणा कर दो, 4 × 4/2, 4 में 2 का भाग हुआ 2 हेक्टेयर। इसका मतलब सी को कितना मिला, 2 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर इनको मिला, तो बी को भी मिला 2 हेक्टेयर। क्लियर, 2 हेक्टेयर + 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर हो गए। अब इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आप ई की बात करें तो आप ई का भी निकाल सकते हैं, पूरी जमीन 4 है, अब 4 का 1/4, तो 4 का 1/4, तो 4 × 4/4 = 1। इसका मतलब इनको ई को कितना मिला, 1 हेक्टेयर। तो ई को एक हेक्टेयर मिला है, तो इनका भी वही है, तो इनको भी 1 हेक्टेयर मिलेगा। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ओ को निकालना है कि ओ को कितनी जमीन मिलेगी, तो 4 का 1/24, 4 का 1/24 गुणा कर दीजिए। चलिए ओ का भी देख लेते हैं, 4 का 1/24, तो 4 × 4/24, 4 × 4 = 24। अब आप भाग कर दीजिए 1 में 6 का, तो कितना आ जाएगा, 6 × 0 = 0, 10 × 6 = 4, 10 यानी कि 40 हो गया, 6 × 36 फिर 40 हो गया, 6 × 36, इस तरह से शायद यही आता रहेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो क्या आया, 0.1666 हेक्टेयर। ये 1 में 24 का भाग करने पर नहीं आया, ये तो 1/24 भाग है, 1/24 को हम कैलकुलेट करेंगे 4 से, 4 × 1/24, तो 4 में 1/24 का गुणा करने पर 1/6 आया, और 1/6 को आप दशमलव में बदल दो, दशमलव में बदलने के लिए भाग किया जाता है, कैलकुलेटर से भाग कर दो, यही आएगा 16×96, ठीक है यही आएगा। अब इसी तरह से जिनको मतलब ओ को जितना मिला उतना ही एन को मिलेगा, और 12 वाला मतलब यम को जितना मिलेगा उतना एल को मिलेगा, उतना ही के को मिलेगा। तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपने 2 चीजें सीखा, एक तो कैसे हम बंटवारा करेंगे भाग के रूप में 1/2, 1/4, 1/5, दूसरा ये सीखा कि जमीन जितनी है उसमें कितना कितना हिस्सा मिलेगा और वो हिस्सा कैसे निकलेगा। अब लास्ट चीज ये सीखिए कि क्या जिनको जिनको जितना मिला है उसको जोड़ने पर 4 हेक्टेयर होगा कि नहीं।
भाई हमने डिवाइडेशन तो कर दिया, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा कि बिल्कुल सही आया है? तो इसके लिए क्या करना है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब मैं जोड़ के दिखाता हूं कि हाँ 4 हेक्टेयर सबकी जमीन हो रही है कि नहीं। देखो अब इसमें जोड़ने की एक शर्त है, उस शर्त को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शर्त यह है कि अगर आप बी और सी का जोड़ रहे हो तो फिर एफ जी एच का मत जोड़ो, क्योंकि सी का ही जमीन का हिस्सा इन तीनों को मिला है, और अगर इन तीनों को जोड़ रहे हो तो फिर सी का मत जोड़ो, क्योंकि सी का ही तो मिला है ना। तो कहने का मतलब कि अगर आप सी का हिस्सा जानना चाहते हो तो चाहे सी को जोड़ लो 2 हेक्टेयर, और चाहे सी को न जोड़ो बल्कि इन तीनों को जोड़ लो। तो यही आपको सावधानी बरतनी है। तो अगर मैं बी को जोड़ू बी धन सी, तो बी को कितना मिला 1/2, सी को कितना मिला 1/2, भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे जोड़ना, अगर नहीं जानते तो संकोच मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भिन्न का जोड़ में दिक्कत होती है तो मैं स्पेशल भिन्न का जोड़ भी सिखा दूंगा। तो देखो एक आ गया ना 1 यूनिट, यानी हाफ प्लस हाफ बराबर 1, यानी इनका इनका योग इनके योग के बराबर होगा। जमीन भी जोड़ोगे तो वही आएगा 2 × 2 = 4। अगर आप डी और ई का जोड़ रहे हो तब आप बी का नहीं जोड़ोगे, क्योंकि बी का ही तो है हिस्सा डी और ई, तो डी का जोड़ो अगर तो डी में ई का जोड़ो, उसके बाद एफ का जोड़ो, जी का जोड़ो और एच का जोड़ो, और इन सब का जोड़ ए के बराबर आएगा। समझिए डी ई एफ जी एच इन पांचों को जितनी जमीन मिली है उनका योग 4 हेक्टेयर होना चाहिए, या भिन्न का योग 1 आना चाहिए। अब आप एफ का जोड़ लिए तो आई और जे का नहीं जोड़ोगे, क्योंकि एफ की ही जमीन आई और जे की है। हाँ अगर आप एफ का नहीं जोड़ते हो, जी का और एच का आपने जोड़ा, आप एफ का नहीं जोड़ते हो तो छोड़ दो, आप आई और जे का जोड़ लो। तो आई और जे का जोड़ोगे तो एफ का अपने आप जुड़ जाएगा। समझ रहे होंगे बात हमारी। तो चलिए मैं डी ई एफ की जोड़ के दिखाता हूं। डी की जमीन कितनी है 1/4, ई की कितनी है 1/4, एफ की कितनी है 1/4, जी की कितनी है, नहीं एफ की 1/4 नहीं है, डी और ई की 1/4 है, 1/4 1/4, एफ की है 1/6, तो 1/6, फिर इनकी भी 1/6, एच की भी 1/6, अब सबको जोड़ दो तो 1 यूनिट आना चाहिए। तो देखो 4 और 6 का लघुत्तम होगा 12, 4 तिहाई 12 तो 1/3 3, 1/3 3, 6 दूनी 12 तो 2 2 2, जोड़ दीजिए 3 3 6 2 8 2 10 2 12, 12/12 = 1, आ गया ना 1। अगर 1 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, तो समझ जाओ जोड़ने में गड़बड़ी है या उधर गड़बड़ी है। इसी तरह आप कर सकते हैं, अगर आप एन और ओ का जोड़ते हो तो एन और ओ का जोड़ो प्लस जे का मत जोड़ो, क्योंकि जे का ही है एन और ओ, एन ओ को जोड़ लो आई को जोड़ लो तो ये एफ का अपने आप हो जाएगा। उसके बाद जी का जोड़ो, एच का जोड़ो, और इधर ई का जोड़ो और डी का जोड़ो, या फिर ई और डी का नहीं जोड़ना चाहते तो सीधा बी का जोड़ लो। अगर आप इधर बी का जोड़ते हो और इधर आप जी का जोड़ते हो तब आप जी का भी जोड़ो, एच का भी जोड़ो और एफ का जोड़ लो। अगर आप एफ का नहीं चाहते जोड़ना तो इन दोनों को जोड़ लो, या आप एफ और जी, एफ और जे नहीं जोड़ना चाहते तो जी एच आई को जोड़ लो और एन और ओ जोड़ लो। कहने का मतलब कि संपत्ति को 2 बार आपको नहीं जोड़ना है। पिता का जोड़ रहे हो तो फिर उनके पुत्रों की मत जोड़ो, और अगर पुत्रों की जोड़ रहे हो तो पिता की मत जोड़ो, क्योंकि पिता वाली ही संपत्ति पुत्रों को मिली है। तो इस तरह से आप पूरी बात समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी का यानी कि जमीन का बंटवारा नीचे भाग के रूप में कैसे होता है, और भाग के रूप में करने के बाद पूरी जमीन को कैसे गुणा करके मल्टीप्लाई करके करते हैं और जमीन पूरी निकल आती है,
और अगर आपको चेक भी करना है कि हाँ जोड़ने पर हमारी उतनी जमीन है कि नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।